सभी छात्र और छात्री को ये सलाह दिए जाती है जे एग्ज़ाम के आंसर स्क्रिप्ट अपलोड के लिए birpadacollege.ac.in वेबसाइट में जाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे ब्लू कलर में एक बटन रहेगा जिसमें एग्ज़ाम आंसर स्क्रिप्ट अपलोड लिखा रहेगा। उसमें क्लिक करने के बाद आपको और एक पेज में लिए जाएगा जिसमें CBSE स्टूडेंट के लिए 3 बटन और 1+1 स्टूडेंट के लिए 2 बटन रहेगा। जैसे कि हम अभी BA ऑनर्स और प्रोग्राम की सेमिस्टर 2, 4, 6 के स्टूडेंट तहत हम एक फॉर्म फिलअप करेंगे। इसके लिए हम CBSE BA ऑनर्स प्रोग्राम सेमिस्टर 2, 4, 6 में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक फॉर्म ओपन के लिए दूसरे पेज में ले जाएगा। उसके पहले आप कोई भी ब्राउज़र सिलेक्ट कर लीजिएगा। जाने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपका फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है तो आपको एक लॉगिन करना पड़ेगा आपके ईमेल एड्रेस और आपका खुद का ईमेल एड्रेस पासवर्ड के तहत। उसके बाद फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप ईमेल एड्रेस डालिएगा, स्टूडेंट आपका नेम बस स्टूडेंट नेम डालिएगा, स्टूडेंट मोबाइल नंबर डालिएगा, सेमी कौन सा सेमिस्टर में है आप वो डालिएगा। उसके बाद आप स्टूडेंट ऑनर स्टूडेंट है क्या, प्रोग्राम स्टूडेंट है मतलब जनरल स्टूडेंट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। NBU का रजिस्ट्रेशन नंबर 13 डिजिट का होता है वो ठीक से डालिएगा। उसके बाद एग्ज़ाम रोल नंबर जो आपका एडमिट कार्ड में रहेगा। उसके बाद आपका पेपर कोड ये भी आपका एडमिट कार्ड में रहेगा, ये ठीक से डालिएगा। जो एडमिट कार्ड में है जैसा है कैपिटल में होगा तो कैपिटल में ही डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका आंसर स्क्रिप्ट का PDF इसमें अटैच करिएगा। जैसे ऐड फाइल करने के बाद आपको सिलेक्ट फॉर्म योर डिवाइस लिखा रहेगा, उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका जो फोल्डर है फोल्डर में जाके आपका PDF कहीं जहाँ पर है उसी में आपको क्लिक करके क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद अपलोड कीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आपके ईमेल में भी आ जाएगा और हम लोग कॉलेज में भी सबमिटेड आ जाएगा। और एक बात है, ये आपका पेपर में एडमिट कार्ड में जितना पेपर कोड है उतना बारी आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। आपके एडमिट कार्ड में 4 सब्जेक्ट रहेगा तो 4 सब्जेक्ट ही आपको अपलोड करना पड़ेगा। 10 सब्जेक्ट रहेगा तो 10 सब्जेक्ट ही अपलोड कीजिएगा। याद रखना हर एक सब्जेक्ट कोड के साथ PDF अपलोड करना ही चाहिए, नहीं तो आपका एग्ज़ाम कंप्लीटेड नहीं होगा। इसी के बाद आप सबमिट कर दीजिएगा। देने के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा। उसके बाद आप फिर से और एक नया पेपर कोड के लिए अपलोड कर दीजिएगा। ऐसे आपका अपलोड एग्ज़ाम का आंसर स्क्रिप्ट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से नीचे एक छोटा बटन है, चाहे तो आप देख सकते हैं मेरा आपका आंसर स्क्रिप्ट अपलोड हुआ है क्या नहीं। तो आप ठीक वो ब्लू कलर के नीचे में ही देखिएगा एक व्यू छोटा करके लिखा हुआ है, उसमें आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर कोई भी ईमेल एड्रेस आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपका उधर में एक लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट आने के बाद उसमें आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर से आप फाइंड कर सकते हैं आपका एड्रेस आंसर स्क्रिप्ट अपलोड हुआ है क्या नहीं हुआ है। थैंक यू।